तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी के आर और ग्लोबल को कैसे अपडेट करें। ग्लोबल के दो मेथड होने वाले हैं और पबजी के आर का एक। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो फिर अपडेट नहीं होगा, फिर आप कमेंट में आके कहोगे कि अपडेट नहीं हुआ। इससे अच्छा है कि वीडियो को बिना स्किप करे देखो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बताने वाले हैं पबजी के आर को कैसे अपडेट करें। तो पबजी के आर को अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम में जाना है और सर्च करना है टैप टैप, और सबसे पहली वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना, वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और उसमें आप जाने के बाद आपको एंड्रॉयड पर क्लिक करना है और फिर ओके कर देना है। एक एपीके डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एपीके को डाउनलोड होने के बाद आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है और फिर इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देना है। एपीके को इंस्टॉल होने के बाद आपको उसको खोल देना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको ऊपर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सर्च करना है पबजी के आर। सर्च करने के बाद आपके सामने बहुत ज़्यादा सारे पबजी आ जाएंगे। पबजी ऐप आ जाने पर आपको जिसके पीछे के आर लिखा हो उसके ऊपर क्लिक करना है। तो सिंपली आपके सामने अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करके अपडेट कर लेना है। तो अब बात करते हैं कि पबजी ग्लोबल कैसे अपडेट करें। तो उसके दो मेथड हैं। तो सबसे पहले मेथड के ऊपर चलते हैं और बताते हैं कि फर्स्ट मेथड से कैसे पबजी को अपडेट करें। तो इस मेथड में आपको करना कुछ नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक डायरेक्ट लिंक नाम से एक लिंक दे रखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है और फिर ओके कर देना है और डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको एंड्रॉयड में OBBM जाके उसे पेस्ट कर देना है। तो सेकेंड मेथड में आपको VPN की ज़रूरत होगी। तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है या आपके फ़ोन में कोई VPN हो तो उसे यूज़ कर लेना है। मैं अभी बैटरनेट VPN यूज़ करूँगा। आपके पास कोई और हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो VPN डाउनलोड होने के बाद आपको ओपन कर लेना है और सिंपली कनेक्ट पर क्लिक करना है और फिर परमिशन को ओके कर देना है। VPN थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्रोम में जाना है और फिर सर्च करना है पबजी मोबाइल ENUS। आपको यही सर्च करना है क्योंकि ये VPN से कनेक्ट होगा तो आपका नेट थोड़ी देर के लिए स्लो हो जाएगा, पर आपको APK चलाने के लिए मतलब पबजी चलाने के लिए VPN की ज़रूरत नहीं होगी। बस एक बार डाउनलोड करने के लिए VPN की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, इसको आपको पूरा लोड होने देना है। आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, 990 और 661 का वो आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको अपने इंटरनेट के हिसाब से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। मेरे पास इंटरनेट ज़्यादा है तो मैं 990 वाला सिलेक्ट करूँगा। तो सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, आपको ओके पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको VPN को हटा देना है और जिससे आपका फिर वो फास्ट डाउनलोड होने लगेगा। एक बार पॉज करके कंटिन्यू कर देना है, उसके बाद आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।